Now we have the first question of exercise 7.3. Very simple question. We have sine square 2x plus 5. You know we have two basic formulas, sine square x equal to 1 minus cos 2x by 2 and cos square x equal to 1 plus cos 2x by 2. Here in this question, I will use the first formula, sine square x 1 minus cos 2x by 2. Okay, I have 1 minus cos 2 or x kya hai mera? X ye pura angle hai na? So 2x plus 5 upon 2 with respect to dx. Main option kya karunga? Is 2 ko jo hai, main yahan bahar le lunga. Hamare paas option ho gaya hai 1 by 2 1 dx minus 1 by 2 aur integral cos 2x cos 4x plus 10 dx. अगर देखिए आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ जाए तो बेटर है कि आप अपॉन में 4 लगाइए. अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप 4x plus 10 को पहले t पुट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए. तो मैं आपको पुट तरीके से समझा देता हूं. 4x plus 10 equal to t पुट करिए. Differentiate both side with respect to x. I have 4 equal to dt by dx. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा dx equal to dt by 4. यार है ना 4, इसी 4 को मैं आपको कह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 1 by 4 को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि इसके अपॉन में 4 और आएगा. अब देखिए क्या ऑप्शन आपके पास आ गया है, 1 by 2 और 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x आएगा. तो x by 2 तो इसका आ गया minus 1 by 2 और यहां पर आप इस 4x plus 10 के प्लेस में क्या रखेंगे, t. आपके पास क्या ऑप्शन आ गया है, cos t. और cos t को जिस टाइम पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो cos t का इंटीग्रेट, cos t को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा आपके पास, sin t. बात समझ रहे, प्लस c और अपॉन में कौन, ये जो 4 है आपने 4 रखा ना, इसको आप चेंज करेंगे dx को dt by 4, तो यहां पर अपॉन में 4 है. तो और t को क्या माना हुआ है आपने, t माना हुआ है आपने 4x plus 10. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हो गया है x by 2 1 upon 8 sin 4x plus 10 plus c. That's the required answer. Hope you enjoyed this video. Thank you.